नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद शुभांगी में। दोस्तों, पनीर हमारे फूड में सबसे वर्सेटाइल कंपोनेंट है। वर्सेटाइल से मेरा मतलब ये है कि पनीर हर सब्जी के साथ में अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, मेन कोर्स के साथ साथ स्टार्टर में भी पनीर की डिशेस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से एक है पनीर टिक्का, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पनीर टिक्का की रेसिपी। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमने एक बड़ा चम्मच तेल, एक बड़ा चम्मच पान मेथी, एक कप दही, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, आप स्वादानुसार ले सकते हैं, और आधा कटोरी बेसन लिया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप इसकी जगह पर सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमने एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा और एक पिंच हल्दी पाउडर ले लिया है। ये इंग्रेडिएंट्स आप स्वादानुसार भी ले सकते हैं। यहाँ हमने 8 क्यूब्स पनीर, 8 क्यूब्स शिमला मिर्च और 8 शेल्स हमने प्याज के ले लिए हैं। अब हम एक बड़ा बोल लेके उसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अभी हम सिर्फ तेल को ऐड नहीं करेंगे और बाकी हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे हम उन सब को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पनीर टिक्का घर पर बनाएंगे तो आपका पनीर टिक्का बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी बिना तंदूर और बिना किसी स्टिक के, बिल्कुल तवे पर। यहाँ हमने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ पर अच्छा पेस्ट बना लिया है, अब हम तेल को गर्म कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल अब गर्म हो गया है, अब हम इसको हमारे मसाले में मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने तेल को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया और ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें प्याज, शिमला मिर्च और पनीर के जो क्यूब्स हमने लिए थे वो इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, हमें पनीर को बिल्कुल हल्के हाथ से हमारे पेस्ट में मिक्स करना है, नहीं तो हमारे पनीर के जो पीसेज है वो टूट सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें जैसे आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही इसको मिक्स कीजिए। ये देखिए, हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसको आधा से एक घंटा के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एक घंटा हो गया है, अब हम ब्रश की सहायता से तवे पर घी लगाकर तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को इसके ऊपर सेकने के लिए रख देंगे और हम इसे दो दो मिनट से पलट पलट कर सेकते रहेंगे। ये देखिए, हमने इन सभी को तवे पर सेकने के लिए रख दिया है, हमें गैस को मीडियम और हाई के बीच में ही रखना है। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इन सबको पलट लेंगे। आपको दिख रहे होंगे कि हमारे पनीर गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। ध्यान रखें कि पनीर को बहुत ही हल्के हाथ से ही पलटे, नहीं तो पनीर टूट सकता है, क्योंकि पनीर अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसी तरह से हम दो दो मिनट में इसको पलटते रहेंगे। ये देखिए, हमने सभी को अच्छे से पलट दिया और हम इसे इस तरह से सेक रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल अच्छे से सेक गया है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे और ग्रीन चटनी की रेसिपी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा लजीज पनीर टिक्का बिल्कुल तैयार है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों, इस रेसिपी से आप पनीर टिक्का बनाएंगे तो आपका पनीर टिक्का इतना कमाल बनेगा कि आप बार बार इसको घर पर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका पनीर टिक्का कैसा बना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।